हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि कुछ लोग मिलके सोशल मीडिया पे एक भ्रम फैला रहे हैं मेरे बारे में कि कॉलोनी ये कॉलोनी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेरे नेबर बन रही हैं, मेरी नेबर सिर्फ दो लोग हैं, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी तो राइट एंड लेफ्ट होते हैं पूरी कॉलोनी का। एक्चुअली क्या है, मैं तो इस कॉलोनी में बहू थी तो मेरा तो घर से ज़्यादा निकलना नहीं था, लेकिन हाँ मेरे जो पड़ोसी आंटी हैं, गंगा आंटी वगैरह, इन सब से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है और ये लोग मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और पूरी कॉलोनी में जब भी किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जब भी किसी को पेन होता है, तो सब लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं इस भ्रम को नहीं फैलने देना चाहती सोशल मीडिया पर। तो मेरी ऑडियंस से मेरी यही गुजारिश है, जो कि मेरा जो भी मेरे नेबर्स बन रहे हैं वो लोग सीरियसली मेरे नेबर्स नहीं हैं, और मेरे नेबर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हैं कि उनका कोई मतलब हो सोशल मीडिया से। क्योंकि मैं किसी फ्लैट या फिर किस सोसाइटी में नहीं रहती, मेरा जो एरिया है वो काफ़ी देहाती एरिया है जहाँ ये सब कुछ नहीं होता। तो मेरे पड़ोसियों का नाम तो कृपया करके ना लें। अब पड़ोसी कह दिया है जिन्होंने, जिस जो जो आईडीज़ हैं मेरे पास, रश्मि जी भेज रही हैं कुछ मैसेजेस, तो मैंने आज उन पे लीगल एक्शन ले लिया है और बहुत जल्दी उनका खुलासा भी हो जाएगा कि वाकई में ये मेरे पड़ोसी हैं या कोई और है। ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी, और आप लोगों का जितना सपोर्ट मेरे लिए हो रहा है उसके लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और आगे आगे मेरे स्टेप्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और सीरियसली गाइस, खाटू श्याम बाबा मेरी इज्जत की लाज रखते जा रहे हैं। हर चीज़ में कामयाबी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि जिस दरवाजे पे भी मैं हेल्प के लिए जा रही हूँ वो वहाँ से क्या है। योगेंद्र की इसने क्या पूछी, क्या पूछा था योगेंद्र का, वो कहाँ है, इसकी क्वेरी कहाँ है, क्वेरी वाला लेटर कहाँ है, क्वेरी वाले लेटर में ये लिख के पूछा है कि आपने जिंजिवेक्टमी किस क्यों की है, उसका मतलब हमें बताइए रीज़न। तो वो रीज़न मैंने लिख दिया है इसमें, है ना, उसमें ये इसकी रिपोर्ट नहीं मांग रहा सीबीसी के। तो यही सब है, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आप लोगों को बताऊं मेरे हॉस्पिटल का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मुझे खड़ा रखने में, और कभी भी मेरी जो पर्सनल लाइफ से चीज़ें हैं वो कभी मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं आई हैं। रही बात आगे आगे देखते हैं इस केस में क्या होना है, लेकिन इतनी बात तय है जो प्रदीप का एक वो था ना मेरे दिल और दिमाग में, मेरी आत्मा में रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट अब नहीं है, क्योंकि ऐसे पति से तो पति न होना ही बेटर है, पूरी ज़िंदगी अकेले रहना ही अच्छा है, जो इंसान अपनी बेटी के पीछे पड़ा है। और रही बात अफेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अफेयर का तो कहीं कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। और रही बात सपना से को रिलेट किया जा रहा है मेरी चीज़ों को, तो वो घटिया लोग ही कर रहे हैं, कुछ सपना या फिर कोई अच्छी ऑडियंस नहीं कर रही, क्योंकि उस टाइम भी जो चीज़ें चल रही थी ना, जो बातें चल रही थी वो मेरी सासू माँ के द्वारा ही उत्पन्न की हुई बातें थी। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता हैं क्या होने वाला है उस घर में आगे आगे, क्योंकि वो मुझे, मैं सुनती थी उस घर की कहानी जब इन लोगों के मुँह से, कि बहुत सारी चीज़ें हैं मैं नहीं बताना चाहती यहाँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझसे ज़्यादा बुरा वहाँ भी होने वाला है, उसका आभास है मुझे। क्योंकि ये जो करती है ना मेरी सासू माँ, ये चारों तरफ इसी के सारे मुर्गे होते हैं, जो एडवाइस देती है, जो पूरा ख़ानदान इसको एजुकेटेड समझता है ना, मेरी सासू माँ कतई ही एजुकेटेड नहीं है, ऐसे पढ़े लिखे होने से बेटर है कि गवार बन के रहा जाए, जो कि अपने बहू और बेटे का घर नहीं बसवा सकती उस माँ को माँ नहीं कहेंगे, डायन कहेंगे। और ऐसी सासू माँ को मैं हमेशा डायन ही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये डायन से कम नहीं है।
हाँ, इसने कुकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये इसी अंदेशे से आई थी। लेकिन कुकू है ही इतनी प्यारी कि उसने अम्मा अम्मा करके अम्मा के शायद उन हाथों को रोक लिया जो कि उसे मारने आए थे। और इन लोगों पे तो अब मैं ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करूँगी। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी की ऐसी मेरी जैसी स्टोरी चल रही हो तो वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि मैंने ही इन पे विश्वास करके अपने घर को बचा लूँगी करके मैंने एक्शन कोई नहीं लिया। लेकिन अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ हर एक्शन लिया जाएगा। जितनी भी पुरानी FIRs डली हैं, 498 केस डला है, उन सबको मैं रीओपन करवाऊंगी, क्योंकि इनकी जो अंदेशा है वो चीज़ मुझे हाथ लग गई है कि ये लोग मुझसे क्या चाहते थे। और रही बात, मेरी सासू माँ ने कई दिनों पहले, मतलब 6-7 महीने पहले मुझे कुछ बात पूछी थी कि समाज में जो बात प्रदीप के लिए चल रही थी, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रदीप जहाँ रहता है, जहाँ उसकी जॉब है, वहाँ से कुछ वीडियोस लीक हुई थी मेरे पास। तो मैं उन वीडियोस को, अब टाइम आ गया है कि अपना मतलब अपने कोर्ट केस में उन वीडियोस को शो करूं और मैं दिखाऊं कि इसका असली रूप क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं शांत हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह रही। और रही बात, ये 2-3 औरतें हैं, ये कह रही हैं पड़ोसी हैं, तो आंटी जी हाथ जोड़ के मैं यही कहूँगी, मैं चाय बहुत अच्छी है बनाती हूँ, और प्लीज़ आप लोग मेरे घर पे चाय पे आएँ, ताकि मुझे भी मालूम चले कि भाई मेरा ऐसा पड़ोसी कौन सा है जो इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है। और कहीं सुनी बातों पे कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो चीज़ है वो रियलिटी है। उसी रियलिटी की वजह से मैं इस कॉलोनी में बैठी हूँ, और मेरी कॉलोनी पूर्ण रूप से मेरे साथ में है। अभी कुछ न्यू बिगनिंग जब होगी तब मैं फंक्शन करूंगी, अपनी पूरी कॉलोनी को बुलाऊंगी अपने घर में, तब मैं बताऊंगी कि मेरी कॉलोनी मेरा कितना साथ देती है। क्योंकि मेरी कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सब जाट हैं और सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, कॉलोनी में 2-4 घर हैं जिनके हमारे जैसे केस चल रहे हैं, लेकिन उन घरों का भी कोई कसूर नहीं है। उनकी बहुएँ खुद भाग के गई हैं, तो उनको भी कहूँगी कि आप लोग मेरी फैमिली या मेरी कॉलोनी का नाम ना ले। अगर फाइट करनी है मुझसे, इतना दम है कि आप सोशल मीडिया पे मुझसे फ़ाइट कर सकते हैं, तो सामने नाम लेके आए। और कई 2-3 ऐसे चैनल हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तो इतना दम है तो मेरे नाम से फिर तुम लोगों के कपड़े क्यों उतरते हैं ना। तो इतना दम है तो डायरेक्टली बात करें ना, पीठ पीछे से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो आपके दुपट्टे से मुंह ढके हुए हैं ना, उनको खोलना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो अपनी हरकतों को सुधारो तुम लोग, ताकि जीवन में कुछ नई राहें मिले, बच्चों को कुछ सिखा सको, अपनी फैमिली को कुछ सिखा सको। क्योंकि तुम लोग दिन भर बैठे बैठे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें करते हो ना, तो बच्चे भी तुमसे कहीं ना कहीं सीखते हैं। और रही बात, किसी ने कहा कि प्रदीप अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, प्रदीप अपनी बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये वो अभागा बाप है जो अपनी बेटी को बेटी नहीं कह सकता। और अब तो कुकू के दर्शन करना ही इसके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। और रही बात कस्टडी, बच्चे की कस्टडी लेने के लिए जेब में पैसा चाहिए होता है। इस भिखारी से पूछना कि इसके पास पैसा है जो ये बच्चे का ख्याल भी रख सके, बच्चे को 2 वक्त के कपड़े, क्योंकि इसका जो पैसा है ना वो कहीं और जाता है। तो वो चीज़ें ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं ओपन कर रही, वो चीज़ें मैं कोर्ट में ही ओपन करूँगी। और मेरी फैमिली, अगर मैं सही हूँ तो मेरी फैमिली सदैव मेरे पास साथ है, मेरा खानदान पूरा मेरे साथ है, मेरे मामा, मेरे भैया, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, सब लोग, पूरा घर मेरा भरा पड़ा है, तो इसलिए मुझे अकेले महसूस होता ही नहीं है। और गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी बेटी की रक्षा कर रहे हैं, और सबसे बड़े रक्षक तो हमारे माता पिता ही हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझ तक तो कोई बात मेरे मम्मी पापा आने ही नहीं देते। और रही बात, ये सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियंस है, रश्मि को भी मैं कहूँगी, रश्मि मलिक परी ब्लॉग, तुम ऐसे ऑडियंस पे ज़्यादा ध्यान न दो, और मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं। तुम जब स्पेशली दिखाती हो तभी मैं देखती हूँ
क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ पॉजिटिविटी के साथ रहती हूँ और पॉजिटिविटी ही फैलाती हूँ हमेशा। मैंने बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखा है कि अपने कैरियर और अपनी पॉजिटिविटी को ही लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि कुकू के लिए मुझे बहुत कुछ खड़ा करना है। इसमें मैं अगर पॉजिटिविटी में रहती हूँ तो मेरे लिए वेल एंड गुड है, नहीं तो टेंशन के मारे मेरे साथ कुछ भी होता है। और बस आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, हेडेक बहुत है, तो मैं आज जल्दी निकल रही हूँ घर के लिए। तो ऐसे ही आप लोग हमेशा मेरे साथ बनिए रहिए। और कुछ ये मुखौटे पहन के लोग हैं तो इनके मुखौटे तो खैर राजस्थान पुलिस बहुत जल्दी उतार लेगी। जितने भी ये सोशल मीडिया पे आए हैं मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी है और 2-3 दिन में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो गाइस प्लीज़ आप लोग हमेशा अपने सपोर्ट को बनाए रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहनी थी, जैसे कि शिवानी कुमारी के मैं वीडियोस देखती हूँ और OTT पर वो पहली बार आई हैं, तो गाइस उनको प्लीज़ वोट कीजिएगा। मेरे चैनल से उनके लिए सपोर्ट जा रहा है और हमेशा जाता रहेगा। मेरे ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि शिवानी के लिए आप लोग वोटिंग प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, उसे जिता के हमें वापस लाना है। तो ऑल ऑफ यू शिवानी को सपोर्ट कीजिएगा। बाय।